Good evening and welcome to the Kapil Sharma Show. Kapu! 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 मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ और तुम यहाँ प्रेजेंट कर रहे हो? तो क्या तुम्हें प्रेजेंट करूँ? हेलो? ठीक है, तुम्हें प्रेजेंट करता हूँ. हेलो एंड बैड इवनिंग. नोबडी प्रेजेंट्स टिंडर जैसे मुंह वाली लड़की को पावर्ड बाय घटिया वाहिया डॉक्टर मशहूर गुलाटी. पापा की तारीफ में कुछ और नहीं बोल सकते थे. और बोलो, आपको पता है आम भिखारी लोग जब आम आदमी से मिलते ना, उसको बोलते हैं खाना नहीं खाया. इसके बाप को मिलते कहते हैं खाना खाया. हाँ तो पापा उन्हें फ्री में दवाई देते तो वो भी पापा के खाने पीने का ख्याल रख लेते हैं. पाजी कौन सी दवाई देते हैं पापा? पेशेंट को एनेस्थीसिया तो दिया नहीं जाता उनसे. कहते मैं एक मिनट में बेहोश कर दूंगा, इधर गले लगाते हैं वो बेहोश ही हो जाता बेचारा. ऐसी कोई बात नहीं पाजी, पापा ने ना बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन किए हैं. बहुत बड़े ऑपरेशन किए हैं. एक बार तो पंक्चर भी साथ में लगा रहे थे और ऑपरेशन भी साथ में कर रहे थे. ट्यूब को टांके लगा दिया, आदमी को पंक्चर लगा दिया. फिर इसका घर वाले ने मारा था, कहता ले दे गलती तो दोनों तरफ से, ट्यूब तो कुछ बोल नहीं रही. ये करते हैं इसके पिताजी. कपूर तुम्हें यहाँ मजाक सूझ रहा है? हाँ पता है, पिछले वाले मोहल्ले में एक लड़की ने मुझे छेड़ दिया और जिस तरीके ने उसने मुझे छेड़ा ना, बाय गॉड मुझे तो लग रहा है वो मेरे प्यार में पागल हो गया. पागल प्यार तूने ऐड किया है, वो पागल ही होगा कोई. पागल का बच्चा ही होगा जो तुझे छेड़ेगा. Oh my God, तुम कहाँ थी लॉटरी पिछले आधे घंटे से? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ. देखो मेरा बीपी भी लो हो गया, मेरा हाथ तो टच करके देखो. सुनो, वहाँ एक लड़के ने मुझे छेड़ दिया. क्या? हाँ. शर्म आनी चाहिए, हमने शो इसलिए थोड़ी ना खोला है. तुम बाहर से छिड़के आ जाओ. किसकी मौत आई है जिसने तुम्हें छेड़ा है? हाँ तो तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? इतनी छोटी सी तो बात है. छोटी सी बात थी जब तुम्हें छेड़ा था. तुम छोटी सी हो, ये तुमसे लंबी भी है और बहुत ज्यादा प्यारी भी. उसने मेरी होठों की भी तारीफ की. उसने कहा कि मेरे होठ बिल्कुल गुलाब की पंखुड़ी जैसी हैं. अब छेड़ा उसने तुझे? उसका जूते पड़ने चाहिए जो तेरे साथ ऐसा बदमजा कर रहा है. तो क्या छेड़ा उसने तुम्हें? मेरे बारे में भी कहा था. मैं उसकी जान ले लूंगा मैं. नहीं नहीं, इसके लिए नहीं, तुम उसे मेरे लिए मारना प्लीज. हाँ आखिर मैं तुम्हारी होने वाली बीवी हूँ कपू. एक बात बताओ, तुझे मजा आता ना कि तुम्हारे फालतू में तुम्हारे चार लाइनें तुम्हारे मुंह पे बोलूं? इसको मजा आता जानबूझ के ऐसे क्यों? तुझे होने वाली बीवी हो, हट. अरे तू ये इसके सामने तो मेरे से देखते कहाँ हो? सामने फरारी खड़ी हो तो ऑटो रिक्शा में कौन जाएगा? तुम बताओ लॉटरी क्या क्या किया उसने? और वो मुझे फ्लाइंग किस भी दिया. ओ तुम मुझे दे दो, मैं उसको वापस करके आता हूँ. उसकी ऐसी हिम्मत उसने तुम्हें चढ़ा, उसकी जो मैं किसने छेड़ा लाटरी को? मैं उसको छोड़ूंगा नहीं. पापा है? बेटी को छेड़ा कुछ नहीं, लॉटरी को छेड़ा तो बहुत गुस्सा आ रहा है आपको. आएगा बेटी, क्योंकि बेटी होती है प्रायदान, तेरी रक्षा करेगा तेरा होने वाला पति और इसकी रक्षा करेगा मैं. बड़े बुजुर्ग की तरह तैतीस रुपए की तनख्वाह तुझे मैं देता हूँ, छेड़े तुझे कोई यार है? क्यों क्यों गई थी बाहर पहले बताओ? मैं वॉक के लिए गई थी. 8 से 10 तो तुम्हारी ड्यूटी होती है, वॉक करने क्यों गई थी? क्योंकि कोई पेशेंट नहीं था. मैं हूँ ना तुम्हारा पेशेंट. मुझे देख लिया करो थोड़ा सा. पापा क्या पापा 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 लगा रखा है तूने? तू फादर साहब फ्लर्ट कर रहे हैं, तू आंखें फाड़ फाड़ के देख रही है, आंखें बंद कर. शर्म आनी चाहिए तुझे. शर्म आपको आनी चाहिए. अगर मुझे शर्म आती ना तू आज दुनिया में. अंदर चल, अंदर चल. मैं अंदर अकेली नहीं जाऊंगी, लॉटरी को साथ लेकर चलूंगी. नहीं एक मिनट. ना मत बोला कर लॉटरी, कल को रिश्ता चेंज हो जाए, तेरी मम्मी बन जाए, फिर तो कोई शर्म आने. खबरदार, अगर लॉटरी को किसी ने भी छेड़ा ना तो मैंने उसके मुंह पे थूक फेंक देनी है. डॉक्टर साहब आपको पता चला बाहर लॉटरी को किसी ने छेड़ दिया,
देखो डॉक्टर साहब मैं बता रहा हूँ, मुझे उसका नाम बताइए, मेरे सर पे ना खून सवार है, मैंने आज ना उसको अदरक की तरह कूटना है। हर काम में अपना प्रोफेशन को छेड़ने की जरूरत नहीं होती है। अदरक पत्ती ये कहावत होती है, खैर बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तुमने मुझे बंदर का? नहीं नहीं, लगते तो आप नंगे ऊद गुलाब जैसे हैं, बंदर तो मैंने कहावत के लिए कहा है। आज कप्पू नहीं है यहाँ पे, वरना मैं 10 रुपए उसको दे दूँ तेरे मुंह पे चार बात कहने के लिए बोलता मैं। तो आप मुझे 5 रुपए दे दे, मैं खुद अपने मुंह पे एक बार बोल लेता हूँ। बोल चल बोल। डॉक्टर साहब मेरी बात सुनिए, मैं ना लड़ाई के मूड में नहीं हूँ, अभी मैं उसको ना मार कर आता हूँ। एक मिनट। हाँ जी। बाद में फिर मेरे पास मत आना। डॉक्टर साहब मैं तो आपके भरोसे जा ही रहा हूँ, मैं तो लॉटरी के भरोसे जा रहा हूँ। ये अगर मेरे को कुछ हो गया तो मलम पट्टी तो उसी ने करनी है ना। नहीं, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, मार खा के आता हूँ। इद्दू भाई अचानक मुझे। हेलो अचानक कैसे? मैं आई पहली बार हूँ। पहली बार आते ही आपके सामने शेर अर्ज किया है। अर्ज किया है, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, तो जो मर्जी कर ले जा, नहीं जानते। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, कितनी बार कहा है लड़कियों के लिए शेर ना बोला करो, ये नहीं मानते। आप सोच रहे होंगे मैं यहाँ क्यों आया हूँ। सोचते रहो सोचते रहो। एक्चुअली मैं जो कप्पू की नानी है ना, वो मेरी दादी है। आप सोच रहे होंगे मैं पहले क्यों नहीं आया, ये लोग घर बदल के मेरे को ड्रेस ही नहीं बताया, पागल कहीं गए। मैं जिद्दी साहब, मेरे को हाई हेलो करने का शौक नहीं है, इसलिए मैं ये शो होस्ट नहीं करता, मेरे को गाने का शौक है। सुनाऊं आज क्या है? इल्म आम तेरी गंगा मेहंदी से बहुत ही बेहतरीन म्यूजिक है। उन ए बा उन बहुत शुक्रिया। उन ए बा उन ए की उन नहीं मुझे उन लिया अभी मुझे उन 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 अच्छा सुन मेरी बात सुन, तू तो पिछले महीने आने वाला था, कहाँ रह गया? मैं अटक गया था। तेरी तो आवाज अटकती रहती, तू कैसे अटक गया? अरे मैं अटक गया था, कटक गया था। अच्छा वहां गया था, वहां अटक गया था, भटक गया था। कितना सिखाई ना तुझे, हमेशा समझाती थी कि उंगली पकड़ के चला कर, वरना भटक जाएगा। भटक गया था ना तू? अरे मैंने अपनी उंगली पकड़ी थी फिर भी अटक गया। फिर मुझे ना बस में टिकट नहीं मिली, मैं अटक गया। बस में टिकट नहीं मिली तो तू लटक गया। अच्छा फिर मैं होटल गया। हाँ। मैंने सब्जी रोटी ऑर्डर की और घटक गया, नहीं खा गया, हर बात में अटक गया, भटक गया नहीं होता। ये क्या है, क्या लगा रखा है, अटक गया लटक गया ये सब कर क्या रहा है, सीधे सीधे काम क्यों नहीं कर रहा तू? अरे मैंने बोला था क्या स्कूल स्कूल खोला तूने? तूने स्कूल कैसे खोल दिया अनपढ़ कहीं के? ऐसे करके ऐसे। हाय हाय, आपको पता है सिद्धू जी एक दिन ये मुझसे पूछता है कि अकबर में अगर मैंने हुमायूं जोड़ दिया तो कितना होगा? तुमने भी तो कहा था अकबर प्लस हुमायूं इज इक्वल टू औरंगजेब। चुप सब बोल चुप। पूरी और तो मैंने इसलिए खोला था, वॉचमैन नहीं आया था। अच्छा अच्छा गप्पू तुमको भाई कहाँ थे अब तक? मैं ट्रेलिया चला गया था। कहाँ? ट्रेलिया कहाँ?
दादर। दादी हाँ? इतने दिनों बाद आया हूँ, चाय लोगी बिस्कुट? हाय हाय, कैसी बातें कर रहा है तू, मेरा मेहमान है गप्पू, मुझे तुझसे पूछना चाहिए चाय लेगा कि? तो पूछा क्यों नहीं बुड्ढन, क्या ले गया? मैं लाती हूँ सरला, तू बात कर, मेरा गप्पू आया, गप्पू आया। हेलो, आओ बैठो, आओ बैठो, तुमसे बातें करनी है। एक आत बताओ, मैंने तुम्हें छेड़ा, तुमने मुझे रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया? क्या रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया? जवाब क्यों नहीं दिया? वो तुम थे जो मुझे छेड़ रहे थे, अच्छा मैंने पलट के नहीं देखा। वैसे तुम काफी बड़े हो गए हो। सेम, तुम भी तो कितनी छोटी रहेगी। सुनो अल्लाह, बैठो बैठो, एक आज बताओ तुम्हारा हुड्डा क्या कर रहा है? रणदीप हुड्डा तो फिल्म कर रहा है। नहीं नहीं, तुम्हारा हुड्डा डॉक्टर क्या कर रहा है? तुमने पापा को बुड्ढा बोला? अरे तुम्हारा छोटा भाई क्या कर रहा है आजकल? छोटा भाई, पापा का हॉस्पिटल बहुत अच्छा चला, लेकिन तुम बताओ तुम कर क्या रहे थे इतने दिनों तक? तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, यही सब किया मैंने। देखो अल्लाह, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तुम्हारा नाम मैंने अपनी बाजू पे लिखवाया है। कुछ नहीं लिखा है। ओ, मिट गया होगा। मैं आता हूँ ना, रोज नहाता हूँ, तुम भी नहाया करो, कितनी अदबू आती है। गप्पू तो नहीं, सुनो तुम्हारे लिए एक शेर अर्ज किया है, शेर अर्ज करूं? करो। दो इर्शाद। इर्शाद क्यों नहीं आया? अर्ज किया है तुम्हें अपने आसमान का आफ्ताब बनाना चाहता हूँ, तुम्हें आसमान का आफ्ताब बनाना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी रातों का बनाना चाहता हूँ, तुम्हें आसमान का आफ्ताब बनाना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी रातों का ख्वाब बनाना चाहता हूँ। सीधे सीधे बताऊँ, मैं राशन कार्ड में दो बच्चों के साथ तुम्हारा नाम लिखवाना चाहता हूँ। गप्पू तुम मुझे भूल जाओ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। तुम कोई चाहता हो तुम्हें भूल जाओ, जितने तुम प्यार करती हो उसको काट के रख दूंगा, काट के रख दूंगा मैं। लेकिन वो तुम्हारा ही रिश्तेदार है। तो फिर चार पीस करूंगा, टक 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 टक। उसके पास बहुत बड़ी बंदूक है। ओह भाभी, भैया किधर है? डर गए तुम? मैं तो मरने से डरना अच्छा है। वैसे मैं मजाक कर रही थी। तेरा मजाक भी तेरे मुंह ज्यादा सीरियस है, कदम मजाक। तेरी ये जुर्रत पहले मेरे नाती के पीछे पड़ी थी, उसने कोई भाव नहीं दिया तो मेरे पोते के पीछे पड़ गई तू। मैं इसके पीछे नहीं पड़ी हूँ, ये मुझे छेड़ रहा है। उठे, तू किधर चला गया है? तू किधर जा रहा है? क्या कहा सॉरी? देखो उधर आके बताता हूँ। तू किधर भाग रहा है? ना, देखो जरूरी नहीं है कि आदमी अपनी गलती से सीखे, कभी कभी दूसरों की गलती से भी सीख लेना चाहिए। अच्छा हाँ। तो क्या सीखा आपने? यही कि हर जगह टाइम पे जाना ठीक नहीं होता, कभी कभी लेट भी जाओ तो चलता भी अभी सीखा मैंने। अरे कुछ नहीं होगा पापा, चंदू आप लोग यहाँ आए। नहीं मेरे को ना प्यार से नहीं थप्पड़ से डर लगता, पहले इसको बुलाओ। चंदू आजा आजा आजा, पहले ये आजा मोया, एक थप्पड़ से कुछ नहीं होता। तो आप खा लो फिर। चुप कर। अरे कुछ नहीं होगा, इधर आए आप दोनों, मैं देखती हूँ कौन मारता है। पहले ये जाएगा। क्यों भाई? मेरी बेटी को कैसे छेड़ा तुमने? ऐसे। बेटी। तो फिर लॉटरी को क्यों छेड़ा? तेरी इस्तर लगती है इनको क्या? वो तो मैंने ऐसे छेड़ दिया।
सबसे पहले इसको मोहल्ले से बाहर निकालो वरना ये किसी ना किसी को छेड़ता ही रहेगा। ऐसे करते निकालो अल्लाह से जादू करते जाओ। कप्पू तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू इसकी लड़की के साथ शादी करना चाहता है? अरे कुछ तो स्टैंडर्ड रख। तुझे पता है कप्पू की है ना जैकलीन के साथ अफवाह उड़ रही है। सिर्फ अफवाह है ना, तो जैकलीन उसके साथ शादी करेगी ना दीपिका आदू। कौन? वही खबरदार जो तूने इस चमकादड़ जैसी सूरत वाली लड़की के साथ शादी की। लेडी खबरदार, अगर मेरी बेटी को चमगादड़ बोला तो मैं जान दे दूंगा अपने यहाँ। बिल्कुल ठीक। हाँ। उस बिलाओ की बेटी चमगादड़ कैसे हो सकती है? मैं ना बातों को लाइटली नहीं ले सकता। अब लाइट ऑफ, एक एक को देख लूंगा। देखा, मैंने सबको मारा, सब मेरे से डर के भाग गए। ऐसे मेरा नाम मिश्रक लैटिन है। डॉक्टर। यस प्लीज। नुक तेरी माँ का ग्लूकोज। छोटी मुंह बड़ी बात हो जाए प्लीज मेरे को माफ कर देना, क्योंकि आज मैं भाई बनाऊ भाई। वाह मेरे लाल, मेरे बेटे, ये कब हो गया? मुझे किसी ने बताया ही नहीं, ना तुम्हारी मम्मी ने मेरे को खुशखबरी दी है। कम 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 बेटा मत बोलना। क्यों? भाई बोलो भाई भाई। चलो एक गिलास चाय लेके आओ, वो भी फुल। हाँ, नहीं तो भाई बोल, नहीं तो बाय बाय। खुद भाई देखो कटिंग जितना है, कहता है चाय चाहिए फुल फुल। देखो आप मुझे पंगा मत लो, मैं इस एरिया का भाई हूँ भाई। और जब 25-25 फुट दूर तक कोई हंसता है ना तो लोग कहते चुप हो जा वरना खजूर आ जाएंगे। क्या बात कर रहा है यार, सिद्धू साहब के होते हुए तो लोगों को हंसने से मना कर रहा है, कैसी बातें कर रहा है? सोच किसके साथ पंगा ले रहा है तू? आप उन्हें भड़काओ मत। लोगों के घर में आस्तीन के सांप होते हैं। ये मेरे आस्तीन के बाप है। तेरी ना जुबान ने ज्यादा चलने लगी है। आए! कान नहीं पकड़ने का तो फिर क्या पकड़ू? कुछ नहीं पकड़ने की यार, इज्जत है, नहीं तो घर की बात बाहर चली जाएगी। घर की बात बाहर मतलब? पहले तो मम्मी आपको घर में मारती थी। अच्छा, अब मैं सबके सामने पिटवाऊंगा। और हाँ, मेरे आप में जम नहीं रही है, मुझे जायदाद में आधा हिस्सा चाहिए, आधा। चंदू, इसको आधा हिस्सा चाहिए ना जायदाद में? आधा हिस्सा चाहिए तेरे को जायदाद में? Yes. मार इसके मुंह पे दो मट्ठियां, दफा कर इसको। क्या बेइज्जती करवा रहा बच्चे से तू? अभी बताता हूँ तुझे। बस करो डैडी। यार इतनी मेहनत से भाई बनाओ, घर में तो कोई डर नहीं रहा, तू बाहर के खाक डरेगा। अबे इधर भाई बनना तेरे को। इधर भाई चपड़ कर, इधर तेरे को पता है आजकल तो अच्छे अच्छे भाई सुधरने में लगे हुए हैं और तू बिगड़ने में लगा हुआ है। तेरे को आज एक ऐसे मशहूर भाई से मिलाता हूँ जो आदमी सुधरना चाहता है। कहीं का तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर माइकल मिश्रा और अरशद वारसी। अरशद भाई बताइए, वेलकम। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया सर। क्या जज रहे हो आप? कभी धमाल तो कभी गोलमाल, जिसकी कहानी है हंसी का बहता दरिया और इश्किया की रवानी है। हंसी का पैता दरिया और इश्किया की रवानी है, ये वो सर्किट है जो कभी फ्यूज नहीं होता। जॉली कहो या गुड्डू, इसकी हर कहानी पे दुनिया दीवानी है। थैंक यू।
अर्शद सर ये मेरा बेटा है सर, आपका बेटा है। हेलो अर्शद सर, मैं एरिया का भाई हूँ। भाई इसकी बहन का नाम एरिया है। चल मैं बड़ा भाई आया मुर्गा बन चल। अरे स्कूल में टीचर मुर्गा बनाती है, यहाँ आप मुर्गा बना रहे हो, मैं क्या दुनिया में मुर्गा बनने के लिए आया हूँ? क्या करें इसका? कुछ नहीं, कान पकड़ के सॉरी बोलो। चलो बोलो, आगे से नहीं करूंगा। आगे से नहीं करूंगा? आगे से नहीं करूंगा नहीं। अब मुझे क्या पता था इतना बड़ा स्टार होके मुझसे इंसिक्योर करोगे आप? क्या करोगे, क्या करोगे? इंसिक्योर फील करोगे? दोबारा बोला, बात अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी। चल 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 शाबाश, चल दोबारा बोल। इंसिक्योर फील करके बोल। अब मुझे क्या पता था इतना बड़ा स्टार होके मुझसे इंसिक्योर फील करोगे? इंसिक्योर फील करोगे? चल भाग जा फटाफट, ये मेरा ही बेटा है बाजी, मुझे पता चल गया। मतलब आज से पहले तेरे को यकीन नहीं था? यार आप मुझे यार बात करने दो, सारा दिन चाय बेहतर रहता है घर पे, कौन पीछे ही पड़ जाता यार, बात नहीं करने देते। अच्छा तो थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छा सबक सिखाया आपने मेरे बेटे को। अच्छा ये कभी कभी ना ऐसे प्रॉब्लम बड़ी करता है, तो आप मेरे को भी थोड़ी सी बदमाशी बदमाशी सिखा दें ताकि मैं इसको थोड़ा सबक सिखा दिया करूँ टाइम पे। नाम क्या आपका? मेरा नाम चंदन है। अगरबत्ती का नाम लग रहा है यार, भाई होते ना भाई जी, तो उनका नाम एक थोड़ा डरावना सा नाम होता है, जैसे अपना चंदन हटेला, चंदन फटेला, ऐसा डर जाए आदमी नाम। अब हटेला पे ही रहना, ये ना कह देना चंदन थकेला। नहीं वो सर वो आप बदल देंगे ना, चंदन तो ठीक है, ये फटेला क्या मतलब क्या होगा? फटेला तेरे मुंह के हिसाब से रखा ना उन्होंने। ऐसा आपको पता है मेले लगते ना दशहरे का, तो जलेबियां नहीं आती जिस लिफाफे में, बच्चा जलेबी खा के ना लिफाफे में फूक भर के ट्रप करके। अच्छा सर बताइए, मैं अभी मैंने बहुत क्या क्या पता नहीं क्या करना है यार। मेरे ख्याल से पहले तुम एक चाल बदल लो अपनी। अच्छा एक होता है ना ऐसा फैल के चलना चाहिए। ओके तेरी तो शाणे फैल फैल। ओके चले छिछोरे, 6 फुट का आएगा ना, 2-2 फुट के 3 बना लूंगा ऐसा ना उस तरह के। पहले वॉक ना, सेम डायलॉग बोल। हाँ सेम बोल, 6 फुट का आएगा ना, 2-2 फुट के 3 बना लूंगा। रहते की तरह फैल। ए छिछोरे, ये छिछोरे, ये 6 फुट के कितने करने थे? आप बाथरूम जाना चाहते हैं? और सर प्लीज, ये कैसे चल रहा था, ये कौन सा भाई होता है? तबेले में चल रहा, किसी ने गोबर किया नीचे? उन्होंने तो बोला अर्शद, आपने तो बोला था तो ऐसा फैल के थोड़ी बोला था। चलो दबाओ यहाँ से, बेवकूफ आदमी भाई बनेगा इधर, क्या चाय का धंधा करे जाके अपना। थैंक यू अर्शद, मैं अर्शद से प्रैक्टिस करूंगा, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करके आपको दिखाऊं। चलिए ठीक है भाई, मैं आ रहा हूँ प्रैक्टिस करके। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एक बार अर्शद भाई के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू अर्शद भाई, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। बड़े कमाल लग रहे हो आप, हाँ, ब्लैक पठानी में कमाल। क्या बात है भाई, आज स्लिम ट्रिम कितने कैसे हो गए आप? ये ऑप्टिकल इल्यूजन है। अच्छा अच्छा नहीं समझ में नहीं आया सॉरी। भाई कैसा लगा आपको हमारा मोहल्ला पहली बार आया? बहुत प्यारा लग रहा है यार, बहुत बढ़िया है। टू मच, यहाँ पे सोच रहा हूँ सेटल हो जाना चाहिए मुझे। आप एक आध फिल्म कर लो, मैं संभाल लेता हूँ, पहले भी कर चुका हूँ। अच्छा मोहल्ला बसा नहीं, पहले शो छीनने वाले आ गए। भाई आपको पता है एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट होने में कितना मेहनत लगती, कमर टूट जाती है आदमी की बाजी। फिर टूटने का कोई चांसेस है? मैं तो ट्राई मार रहा हूँ यार। भाई इस बार मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अच्छी वाली एक्सरसाइज करता हूँ और इस बार ऐसा कोई चांस नहीं है, बट आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अर्शद भाई की फिल्म आ रही है द लेजेंड ऑफ माइकल मिश्रा। ये फिल्म काफी देर से तैयार थी लेकिन 2 साल बाद मेरे ख्याल से रिलीज कर रहे हैं आप, है भाई इसका क्या रीजन है? ज्योतिष ने मुहूर्त निकाला था कि आप वेट कर रहे थे कि हम सोनी पे दोबारा आए तो आप? मैंने सोचा यार इस बार इस यहाँ पे करेंगे तो शायद पिक्चर हिट हो जाए। पिछली बार कुछ प्रॉब्लम हुआ था, गुड्डू रंगीला मैं आया था आपके शो पे। जी जी, तो यहाँ पे शायद अलग घर है तो शायद इस बार चल रहे। ऐसे हमारे मुकद्दर साथ साथ ही चल रहे हैं। अच्छा हाँ मैं देख रहा हूँ आप लोग घर भी साथ साथ बदल रहे हैं। अच्छा अर्शद भाई के इस फिल्म में नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, माइकल मिश्रा। अब कोई फिल्म इनकी उठा के देख लो आप, मुन्ना भाई में देख लो सर्किट, इश्किया में देख लो बब्बन। हाँ एक फिल्म में तो इनका नाम ये भी था जो भी करवा लो। फिल्म डबल धमाल में इनका नाम था घंटा सिंह। कुछ भी नाम रखते हैं। तो भाई आप ये
कोई आपने स्पेशल डायरी लगाई हुई है कि जब आपकी फिल्म आती है तो आप निकाल के देते हो, भाई इस बार ये हो गया, अभी जो भी करवा लो रख लो, अभी ये रख लो। ये स्पेशल नाम कहाँ से आते हैं? मुझे पता नहीं क्यों लगता है ये आपके शैतानी दिमाग की उपज है। अरे कुछ तो मेरे शैतानी दिमाग से आते हैं, कुछ मेरे शैतान डायरेक्टरों के दिमाग से आते हैं, बट है अच्छा लगता है, अजीब से नाम होते तो मजा आता है करने में। अगली फिल्म का क्या नाम है? अगली फिल्म ही नहीं तो नाम कहाँ से आएगा? अच्छा सब जानते हैं कि अर्शद भाई की कॉमिक टाइमिंग जो है बड़ी कमाल की है, आप सब लोग लाइव देख रहे हैं। अच्छा जब ये टपोरी वाले रोल करते हैं ना, इतना मजा आता ना सुन के, मजा आता कि यही बोलते रहे। अच्छा भाई जब आपको इतना ये सूट करते रोल, फिर माइकल मिश्रा में आप इतना सुधरना क्यों चाहते हो? मतलब ट्रेलर में देखा कि आप सुधरना चाहते हो, व्हाई? ये एक्चुअली ना वो डायरेक्टर ने बड़ी एक अलग सी एक दुनिया क्रिएट की इस फिल्म में, और उसके अंदर ये कैरेक्टर है माइकल मिश्रा, और उसको प्यार हो जाता है एक लड़की से, बेइंतहा प्यार हो जाता है। अच्छा, और वो चाहती है कि ये सुधर जाए। अब ये सुधरने की राह पे निकलता है, और बट ऑफ कोर्स जो क्लाइमैक्स है उसमें पता चलता है, बहुत सारी चीज़ें खुलती हैं। सो इट्स बड़ी प्यारी फिल्म है, तो आई होप चल जाए। मेरा प्रॉब्लम ये होता है कि मेरी अच्छी पिक्चरें ज़्यादातर चलती नहीं है। ये शायद चल जाए, पता नहीं। नहीं नहीं बिल्कुल चलेगी सर। वैसे अर्शद भाई जो भी कैरेक्टर करते हैं ना, कमाल का करते हैं। जो भी कैरेक्टर पकड़ते हैं लगता है कि ये इन्हीं के ऊपर बेस्ड है, इन्हीं को देख के किसी ने लिखा होगा, चाहे वो बब्बन का करेक्टर हो, चाहे सर्किट का करेक्टर हो, दिल करता है कि यही बोलते जाए। मुझे ऐसा लगता है तुमने अभी इंसल्ट कर दी मेरी, ऐसा लगता बब्बन एक छिछोरा सा करेक्टर है जो बिल्कुल दिल फेंक नहीं, नहीं सर्किट टफ हो रही है। ये आपके लिए कॉम्प्लीमेंट भाई, लगता है यही दिमाग में आता है। बब्बन का जो करेक्टर मेरा मतलब फेवरेट है, मेरा भी फेवरेट बब्बन। इश्किया डेड इश्किया में इतना मजा आता देख के, मुझे तो वो सीन नहीं भूलता आपका, जब दो कितने सारे गुंडे होते हैं इनके माथे पे बंदूक लगा देते हैं, और अर्शद भाई उनके इधर बंदूक लगा देते हैं, बोलते ऐसी जगह पे गोली मारूंगा ना तू सोचेगा कि इससे अच्छा तो मर ही जाता। तो इतना कमाल का, मैं सोचता हूँ अगर बब्बन को ये शो होस्ट करना हो भाई कैसे करेगा, ऐसे ही मजे के लिए बब्बन। वो देव हाँ मैं बोल रहा हूँ, ये शो के बाद जो अच्छा काम करे वो एक एक मिलेगा, और जिसने अच्छा काम नहीं किया कसम खुदा की कह रहा हूँ कान के नीचे ऐसी चमाट पड़ेगी सतरंगी मुंगतेगा तू। मैंने सात रंग रेनबो में देखे हैं, यहाँ नहीं देखे यार। अच्छा आपके और बमन सर की मेरे ख्याल से सातवीं फिल्म है भाई, साथ में पीछा नहीं छोड़ा साला। तो आपको उनके साथ काम करने मजा आता है कि आपने सोच रखा है कि हमें पहले साबित करना है कि कौन एक दूसरे से बेटर एक्टर, तब तक फिल्में करते रहेंगे? नहीं नहीं एक्टर तो मैं ही अच्छा हूँ। आदमी अच्छा है दोस्त है। पाजी कहते हैं हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और अर्शद भाई की सक्सेस के पीछे सिर्फ हाथ नहीं पूरी की पूरी एक औरत है। मेरे सक्सेस के पीछे हाथ नहीं लात है। जिनकी लात इनकी सक्सेस के पीछे है, मैं इनको आपके सामने रूबरू कराना चाहता हूँ, अर्शद भाई की वाइफ। क्यों भाई बन रहे थे शेर, पत्नी से आंखें नीचे, आ जाएगा ये ऊंट पहाड़ के नीचे। अब आपको पता चल जाएगा घर में मेरी क्या हालत होती है, मैं घर में कैसा रहता हूँ आज आपको पता चल जाएगा। नहीं सर मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मुझे पता है। तो अर्शद भाई तो हमारे भाई हैं, हम लोग चाहे सारे दिन खड़े रहें लेकिन भाभी जी को हम ज्यादा देर खड़े नहीं कर सकते, आप प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए। मैं इनके सामने खड़े रहूं या बैठ जाओ? आप बैठिए प्लीज। थैंक यू। आपको आज से पहले किसी ने भाभी बुलाया? रिवाज नहीं होता ना बॉम्बे में, कमी होता है। नो नो कभी कभी कुछ कुछ लोग मुझे भाभी बुलाते, मेरे जैसे जो नॉर्थ से आए होंगे। नहीं आई थिंक द वंस हु हैव मैनर्स। Thank you so much for this act of kindness. That's just the beginning. Just I'm softening you for the kill. Yeah, bolna ya. Abhi ye to bouncer gaya. मैं हूँ। नहीं इंग्लिश अगर भाभी मैं हूँ। भाभी आपको इंग्लिश बोलनी भी है ना तो सीधी सीधी जैसे नॉर्मल हमारे सिलेबस में लगती है। वो बेस्ट फ्रेंड का ऐसे। I have many friends but Rajesh is my best friend. वैसी वाली इंग्लिश मेरे को समझ में आती है। कपिल मुझे भी हिंदी वैसे ही आती है। अच्छा हिंदी वैसे है। मेरा दोस्त था सगी, वो कहता है many fathers but रामलाल is my best father. ओह ये याद करके क्या फ्रेंड का आ गया फादर का, उसने वही चेप दिया।
शुक्र करो गाय का याद नहीं करके गया फादर का आया तो. माय फादर हैज फोर लेग्स वन लॉन्ग टेल ही लव्स टू ईट ग्रास. कुछ भी हो सकता है. मुझे तो वो गाना याद आ गया आज आपका देख के. गल्ला गोरियां ते विच टोए सुना भाजी आपने ना. गल्ला गोरियां ते विच टोए असि मर गए ओए ओए ओए. आपको पता भाजी अरशद भाई की और मरिया की लव मैरिज हुई है. मुझे सब पता. क्या 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 मुझे सब पता. भाजी कोई एक ऐसी चीज जो आपको ना पता हो. एनी आइडिया. तेरी शादी कब होगी ये नहीं मुझे पता. इनके अंदर कुछ तो डिवाइन पावर है. मतलब पता नहीं क्या ऊपर स्पिरिचुअल इनको कोई देवी देवता इनको बताते हैं. हर चीज का पता है. बस खाली इनको यही नहीं पता इन्होंने राज्यसभा क्यों छोड़ी. ओह ओके आई एम जस्ट किडिंग. यू आर फ्री टू डू व्हाटएवर यू फील लाइक मैन. वी लव यू. थैंक यू. अच्छा मैं यही जानना चाहता हूँ. मैंने बात इसलिए शुरू की पाजी क्योंकि अरशद भाई और मरिया की लव मैरिज हुई है तो जो अरशद भाई की हरकतें हैं 110% इन्हीं ने प्रपोज किया होगा. तो डिसेंट तरीके से किया था कि बब्बन स्टाइल में क्या मेरे को तो रिजल्ट लव हो गया था. बट फर्स्टली कपिल वो वैसा बात ही नहीं करता है. लाइक द वे पीपल थिंक कि वो बिडू और व्हाटएवर यू नो ही डजंट रियली टॉक लाइक दैट. हाउ स्वीट. हमें नहीं पता था. ना ही वो सुबह सुबह उठ के जोक मारता है. वो एक्चुअली पहले अपना चाय बनाता है क्योंकि मैं चाय बनाती नहीं हूँ. आपके लिए बनाते हैं. नहीं मैं तो चाय नहीं पीती. अपने लिए बनाते हैं ना. हाँ. तो फिर मुझे अच्छा अच्छा ना खाना बनाती है. एक छोटी मोटी चीज मैं बनाता हूँ. तो मरिया जैसे मैं अभी वही बात पे आता हूँ घूम के. बोलिए ना. तो इन्होंने आपको मतलब कैसे प्रपोज कैसे किया था. सारे जो हमारे साथ डांस करते थे दोस्त यार थे उनको लगा कि यार अरशद आई थिंक मरिया लाइक्स यू. तो मैंने कहा रियली. ऐसे पता तो नहीं चलता यार. नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ सारे सबको दिख रहा था कि शी लाइक्स मी. मुझे नहीं दिख रहा था. Because men are blind. वो एक थप्पड़ का डर होता है ना. हर मर्द को थप्पड़ का डर होता है. बात लाजमी. तो मैंने हिम्मत हिम्मत करके जाके पूछ लिया. बोला मरिया डू यू लाइक मी. नो. बोला ओके सॉरी चला गया. बट ये प्रोसेस चलता रहा और मैं ऐसा कश्मकश में फुल्ली कंफ्यूज्ड गाय कि पता नहीं यार ये लड़की पसंद करती है या नहीं. मतलब कुछ तो पता चले. सारी बॉडी लैंग्वेज कह रही है हाँ. पूछो तो बोलती है ना. पूरा कंफ्यूजन. क्या हुआ हम लोग दुबई में थे एंड प्ले वे खत्म हुआ तो पार्टी वार्टी कर रहे थे. मैंने बोला यार इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा. ये शराब वराब तो दूर की. मतलब दो बार चर्च जाना दिन में और बहुत ही अच्छी गुड कैथलिक. मैंने इसको है ना आधा कैन बियर दिया. बाय गॉड आधे कैन बियर में सारी असलियत बाहर आ गई. आई लव यू. बोला ये तो पूछा. अच्छी बात है. इसका मतलब इतने पापड़ बेले बाहर के जाके काम आपका 60-70 रुपए में हो गया. अच्छा लड़कियों से कुछ भी पूछो ना तो आपको कैसा लड़का चाहिए तो हर लड़की का ये जवाब होता है अरे गाय विद सेंस ऑफ ह्यूमर. अरे मेरे को ये अफवाह लगने लगी पाजी. मैं तो अब इतना लड़के तेरे पीछे इतनी लाइनें लगा के बैठी. कोई लाइनें लगी कोई सीरियस नहीं लेता. मैं किसी को आई लव यू बोल दूं ये सो फनी ल. ये तो बात नहीं. मैं क्लैरिफाई करूं पाजी. पाजी देखो मैं समझ रहा हूं उनके जज्बात. हाँ. बट फर्क होता है यार. हाँ. एक आप लड़की को हंसाते हो. हाँ. और एक आप लड़की को हंसा के उससे पैसे मांग लेते हो. आप तो प्रोफेशनली हंसा रहे हो यार. कपिल क्या बोला. प्रोफेशनली हंसा दो जोक सुना देगा फिर बोलेगा यार दे दो पैसे. ये तो मेरा बिजनेस है. यू लाइक माय नेचर. ओके यार कैन आई हैव 500 रुपीज. भाई एक बात बताओ इतनी प्यारी वाइफ है आपकी आपने इनका नाम मिस कड़क सिंह क्यों रखा है. रियली. हाँ. घर जाके मैं बहुत जूते मारने वाली हूँ. चलो हो गई यार. देखो ये कौन सी रखा है. मैं यहाँ पे लोगों की तलाक करने के लिए बुलाते हैं आप. आप क्या चाहते हो. मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा. नॉट प्यार ही जस्ट इज लाइक टू चिल. सो समटाइम्स आई फील लाइक यू नो हाइड हिज थिंग्स. या उसके जो पुराने पुराने कपड़े हैं वो जब बाहर जाता है शूट पे ना मैं निकाल के फेंक देती हूँ या ऐसे कुछ. मैं वापस आके मैं जब कपड़े देखता हूँ कुछ बचे गया या तो फिर बाहर जाके झांकता हूँ देखता हूँ वॉचमैन पहना हुआ कुछ वो ड्राइवर वो पहन के घूम रहा है कुछ जींस पहन के घूम रहा है. आदमी को अपने कपड़ों से प्यार होता है. मुझे खुद बड़ी पुरानी जींस होती ना आपकी
आपकी बॉडी के हिसाब से वो शेप ले लेती है। अच्छा उनको पता होता है कि कब साहब बैठने वाले हैं। जैसे आप कोई नया कपड़ा पहन रहे हो आप ऐसे करते हो, पुरानी जींस का घुटना अपने आप ऐसे हुआ होता है, आप बैठो वो वैसी शेप ले लेती है। वो क्या होता है ना, कपिल हम धोते नहीं होंगे। कपिल वो क्या होता है ना, वो पैंट मजबूर हो जाती बेचारी, बोले ये तो बदल रहा नहीं, मैं ही बदल जाऊं। आपको पता पाजी, अर्शद भाई ना कोरियोग्राफर रहे हैं पहले और मरिया को सिखाते भी रहे हैं। इनकी आइडियल डेट क्या होती है कि जब ये कहीं जाएं और वहां पे वॉल डांस करें रोमांटिक जगह पे। हमारे शो से ज्यादा रोमांटिक जगह कोई है नहीं भाई, मतलब इतनी रोमांटिक है यहाँ पे तो, यहाँ पे तो मर्द भी औरत बन बन के रोमांस कर जाते हैं। तो दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है। तो थोड़ा सा हो जाए फिर जरा। अच्छा अपनी बीवी अपनी होती है ना, फिल्म में इतना आदमी कंफर्टेबल जितना मर्जी कोशिश कर ले, ये ध्यान रहता है आर यू कंफर्टेबल, अपनी बीवी को आदमी पूछता ही नहीं। थैंक यू फॉर दिस बिकॉज आई थिंक वी हैव डांस्ड टुगेदर आफ्टर आई डोंट इवन रिमेंबर हाउ लॉन्ग। बचपन में किया था। अरे भाई हम जैसे घरों में लड़ाइयाँ होती ना, कि मियाँ बीबी की लड़ाई किस बात को लेके होती है, अरे तुमने गीला तौलिया बेड पे छोड़ दिया, या हस्बैंड बोलता है कि तुम गैस ऑन करके सीरियल देख रही हो। आपको पता है इनकी लड़ाई किस वजह से हुई, किचन की डेकोरेशन के लेके। yeah. तो किचन में क्या क्या होगा, तो आपको पहले से पता था कि आपको ज्यादा टाइम स्पेंड करना है वहाँ पे। मैं घर में मैं खाना बनाया करता था। yes. मरिया नहीं बनाती थी। मैंने मेरे बच्चों को बोल दिया कि देखो सबके सब बच्चे कहते हैं कि मेरी माँ के हाथ का खाना खाना चाहिए, ऐसे मेरे बच्चे बोलेंगे मेरे बाप के हाथ का खाना। पर पाजी अच्छी बात है, पता आपको शादी से पहले मरिया को खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन उसके बाद उन्होंने इतनी ज्यादा कुकिंग सीख ली कि खुद का एक कुकरी शो भी चलाती हैं, एक बुक भी निकाली है। yes. पर आपको कितना अच्छा फील होता है कि मेरी बीवी ने मेरे लिए इतना कुछ किया। कि अच्छा मेरे लिए नहीं, बच्चे के लिए किया है। बाय गॉड शादी के बाद भी मैं ही खाना बनाता था। जब बच्चे हुए अब मुझे जाके अच्छा खाना नसीब हुआ है। No, but that is true, Kapil, क्योंकि मुझे लगता था कि अभी you know Zeke, I think वो 2.5 years का हो चुका था and I had to feed him in something or the other. और मैं हमेशा मम्मी को फ़ोन करके पूछती थी कि you know क्या बनाऊँ मैं, फ्रेंच टोस्ट कैसे बनाऊँ, ये कैसे करूँ, वो कैसे करूँ. So I started learning like that, Google से you know रेसिपी ले लेके. And उसके बाद कुछ छः साल पहले या पाँच साल पहले 2011 मैं टांटे मरी गई और वहाँ पर मैंने टांटे मरी कुकिंग स्कूल है लंदन में, कुकिंग स्कूल है। अच्छा बड़े लोगों के स्कूल भी टांटे मरी। हमारा जानकी दास पब्लिक स्कूल टांटे मरी। तो वहां से फिर आपने कुकिंग सीखी। हां वहां पे मैंने अपना कॉर्डन ब्लू सर्टिफिकेट की। क्या किया क्या? ये तो पता नहीं क्या होने वाला है। कौन कॉर्डन ब्लू कर दो भी कर दो। अच्छा ये स्कूल में ये पूरी भाजी सफेद चने राजमा चावल ये तो नहीं सिखाते होंगे? वो भी सिखाते हैं क्योंकि कॉर्डो ब्लू सर्टिफिकेट में इंडियन फूड भी सिखाते हैं। अंग्रेज सिखाते हैं राजमा चावल बनाना? यस, लेकिन उनका जो रेसिपी है वो इतना बकवास था कि माय कुकिंग वाज बेटर देन दैट एक्चुअली। क्योंकि आप उनके राजमा खाओ, आप इंडियन मेड राजमा मेरी माँ के हाथ के राजमा खाओ, अंग्रेज बना नहीं सकते। नहीं, मसाला कम डालते हैं। यस, क्योंकि वो टिश्यू पेपर यूज करते ना। होता है ऐसे, आग लग जाएगी। ज्यादा मसाला तो आग पकड़ लेता है। तो जैसे मैंने कहा कि अभी मरिया को जो है खाने की बहुत ज्यादा नॉलेज है, बनाने की भी और खाने की भी। इन्होंने अभी एक बुक भी लॉन्च की है, हम लोग आपकी बुक देख सकते हैं? मैं मंगवाऊं? यस प्लीज। जी प्लीज। थैंक यू। क्या बात है। थैंक यू। तो ये है फ्रॉम माय किचन टू योर्स। Yes. तो ये सारी जो रेसिपीज हैं वो इनकी खुद की बनाई हुई हैं। अच्छा कभी कभी ना मरिया मुझे लगता है जैसे ये फोटो में बड़ा अच्छा लग रहा है पालक yes. सूप, पर खाने में भी अच्छा होता है? खाने में बहुत ही अच्छा होता है एक्चुअली कपिल। यू नो जब मैं ये बुक बना रही थी दैट आई वांटेड टू यू नो व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। तो मैं सारे जो यहाँ पे पिक्चर्स हैं इमीजिएटली खाना बनाने के बाद आई यूज टू प्लेट इट एंड मेरा जो फोटोग्राफर था जो जिसने ये बुक शूट किया अमित आशर उसको इमीडिएटली कैप्चर करते थे और हम लोग इमीडिएटली उसके बाद खा जाते थे। उसके बाद ये लोग हमें यू नो खाते थे। पर ये अच्छी बात है जो बुक बोल रहे हैं कि जो पिक्चर में नजर आएगा वैसे ही बनता है। तो कई बार आप देखो ना आप फाइव स्टार होटल में भिंडी की फोटो लगाई तो भिंडी ऐसे अकड़ के साथ फिंगर है लेडी फिंगर, यू नो लेडी फिंगर देखो वो भी मॉडल
मंगवाओगे ना प्लेट में तो ऐसे लेटी रहती बिल्ली। चलो पर ये बहुत अच्छी बुक है और मैं कोशिश करूंगा कि इसको इसमें दिए गए रेसिपीज को अच्छी अच्छी रेसिपी जो कम ऑयली हैं और सेहत के लिए अच्छे हैं वो खा के मैं 3 महीने में अच्छा वेट लूज करूं और मेरी नेक्स्ट फिल्म शुरू होने वाली है उसके लिए अच्छी तैयारी करूं। अच्छा एक मिनट मैं जरा एक बात कहना चाहूंगा। जी मैं आया था अपनी पिक्चर प्रमोट करने के लिए। ये अपनी फिल्म प्रमोट कर रहे हैं, ये अपनी बुक प्रमोट कर रहे हैं, मतलब चक्कर क्या है? ये बहुत होता है आम मियां बीवी के रिलेशनशिप में कि पत्नियों को ये लगता है कि मेरे पति में ये आदत नहीं होनी चाहिए, ये थोड़ी चेंज कर लो आप, क्यों नहीं करते आप ऐसा। पतियों को भी कुछ आदतों से प्रॉब्लम होती है लेकिन वो बोलते नहीं है। तो मैं यहाँ पे बैठे हमारे दर्शकों से पूछना चाहता हूँ कि कितनी ऐसी महिलाएं हैं यहाँ पर जिन्होंने कोशिश करी है कि मेरे पति की ये आदत चेंज हो जाए या कोई आदत चेंज करना चाहती हैं। जी मैडम। पति चेंज करना चाहती है। हेलो कपिल जी। हेलो मैम, नमस्कार। हेलो मैडम। हेलो सर। हेलो हेलो। मेरा नाम मेघा है। मेरे पति की एक ही बुरी है। आपके पति की क्या, एक ही पत्नी है? बुरी आदत है। अच्छा बुरी आदत है। जो इधर उधर बहुत दिखते इधर उधर। घोड़े की नाक है ना, तो घोड़ा ऐसा लगा दो, ऐसा लगा दो और दोनों तरफ तुम्हारी फोटो लगा दो। इधर उधर मतलब लड़कियों को देखते हैं। अगर मैं साथ में हूँ तो इधर उधर क्यों देखने का ना। बिल्कुल, ये तो पॉइंट है। कहाँ हाँ। आपके हस्बैंड आए? हाँ ये उनका उनका नाम क्या, टेबल फैन है? नहीं तो आपको पक्का यकीन है ये दूसरी लेडीज को देखते हैं? हाँ, फिर एक बार जो किस्सा हुआ मैं बोलती हूँ। हम 2-व्हीलर से जा रहे थे जी, लड़की को देखते देखते गाड़ी डिवाइडर पे चढ़ गई और गाड़ी को और मुझे छोड़ के खुद तो साइड में हो गए और मैं गाड़ी पकड़ के उधर ही खड़ी। भाई साहब मैं आपका पक्ष भी जानना चाहता हूँ, अदालत दोनों पक्षों की सुनेगी। देखिए सुंदरता काय के लिए रहती है कि उनको एडमायर करना चाहिए, अगर उसको आप एडमायर नहीं करोगे तो वो सुंदरता को कोई हो। सर सुंदरता की तारीफ करो, ये थोड़ी ना अपनी बीबी को फुटपाथ पर चढ़ा दो। तो जिन लेडीज को आप देखते हैं वो मुड़के आपको देखती हैं? हाँ देखती क्यों नहीं? बोलते हैं कि मैं देखता हूँ कि कोई पहचान की है क्या, ऐसे बोलते हैं। इनको सारी औरतें एक जैसी लगती हैं। यार हमारे कॉलेज का नाम ही वैसा था, लाला द लवर्स कॉलेज। तो आपके जो फाउंडर रहे होंगे वो भी ठीक ही रहे होंगे काफी। शादी को कितने साल हुए? 21 साल। 21 तो अभी देखने दो ना बहन जी क्या है। पर चलिए बहुत अच्छा लगा आप आपसे मिलके, थैंक यू। ओह वेल डन यार। और कोई जी? अच्छा भाई साहब खड़े हो रहे हैं। अच्छा मर्दों को भी प्रॉब्लम है? तेरी लाल छड़ी मैदान खड़ी। सिद्धू भाजी सत श्री अकाल। कपिल टू ऑल। कपिल जी नमस्कार। मैम यू आर लुकिंग गॉर्जियस। थैंक यू। बाहर निकल, मार ले। अच्छा अभी सर ये आदतें बदलने की बातें हो रही हैं, मेरी सगाई में और शादी में 8 महीने का डिफरेंस था। अच्छा। और शादी को अब 9 साल हो गए। अच्छा। सगाई से लेकर शादी के बीच में मैं बीवी के लिए शाहरुख खान से कम नहीं था सर। अभी शादी के बाद 1-2 महीने सब ठीक चला, अभी वो बोलती है पहले तुम राइट साइड पे सोते थे अब लेफ्ट साइड पे सो। अच्छा। अभी बोलती है गाड़ी चलाना छोड़ दो क्योंकि तुम्हें दिखना बंद हो गया तो ये आंखें उल्लू जैसी हो जाती हैं। बेटा 6 महीने और निकल दे होंगे कि टॉयलेट में सो। और अभी मतलब बदलने पे तुली हुई, अभी नया शौक लगा है कि मैं जिम जा रही हूँ 10 किलो वजन कम कर रही हूँ, तुम भी 10 किलो कम करो। अरे साला है ही 10 किलो तो कम क्या करें। साथ में नहीं आई वो? क्यों भाई की खुशी देखी नहीं जा रही? तभी इतना खुल के बोल रहे हैं, तभी इतनी चपड़ चपड़ चल रही जुबान आपकी। अच्छा तो आपकी इतनी सारी आदतें बदलना चाहती हैं। हाँ। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं उनकी किसी आदत से? मेरे को उसमें कोई कमी नजर नहीं आती, मैं दिल से प्यार करता हूँ सर उसे। ये आपने दिल से कहा है या जो पहले बातें बोली उसको कवर कर रहे हो आप? मेरा ये मानना है कि नारी कल भी भारी थी आज भी भारी है, पुरुष कल भी आभारी था और आज भी आभारी है। और अगर विश्वास नहीं होता तो सिद्धू पाजी को देख लो, पूछ लो भैया भाई सही बात। जब 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 परजाई जी आई थी ना क्या हालत हुई थी इनकी भाई। अभी हमारे मसीहा बन चुके हैं सर। थैंक यू वेरी मच सर। शुक्रिया शुक्रिया ब्रदर। हेलो भाई। हेलो, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप? हेलो भाभी, बहुत बढ़िया, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। अच्छा वो आप आ गए। हाँ। मैं एक फिल्म बना रहा हूँ।
ये भाई हमारे पड़ोसी हैं चीकू जी, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाते हैं, शादी की, बच्चों के मुंडन, हैप्पी बर्थडे का। पिछले हफ्ते थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, बेचारे अरेस्ट हो गए थे, किसी की हनीमून की मूवी बना रहे थे। प्रोड्यूसर के बारे में ऐसी बात करते हैं? कौन सा प्रोड्यूसर? नजर नहीं आ रहा। ये प्रोड्यूसर है, ये मुंह पे क्या लगा के घूम रहे हो आप? ये ये भी नहीं पता कि फैशन क्या होता है। दुबई का पाउडर है ये लगाने से ना स्किन जो है ग्लो करती है, ग्लो ग्लो करती है। मुंह तुम्हारा ओवरफ्लो में निकला जा रहा है, ग्लो करती है। ये आटा लगा के घूम रहा है, आटा, ये तो आटा है, वो भी किसने ऐसे छपा के लगाया तुम्हारे? एक्चुअली इनको ये आटा खाते भी नहीं पता, ये चाटा खाते हैं, गोभी वाला चाटा, आलू वाला चाटा, इसे कहाँ से खा के आ रहे हैं आप? देखो मेरी बात सुनो, जब प्रोड्यूसर और एक्टर बात कर रहे हो ना, तो बीच में फिल्म क्रिटिक को नहीं बोलना चाहिए। यहाँ खड़े होकर गप्पे हांक रहे हैं आप। एकदम पागल हो गई हो, देख नहीं रही हो, मैं अरशद वारसी साहब से बात कर रहा हूँ। अरशद जी आए हैं। हाँ। Oh my God! Oh my God! मैंने कहा जी पीछे हटिए। हेलो अरशद जी। हेलो मारिया जी। How do you do? Myself Twinkle. अरशद जी सुनिए, आप इतनी सारी फिल्में करते हैं, एक फिल्म में मुझे रोल दिला दीजिए, एक दो सीन का होगा ना तो भी चलेगा। एक दो सीन का? मैं तुम्हें पूरी फिल्म लेना चाहता हूँ, एक दो सीन का। मरिया जी इन्होंने बहुत ज्यादा धोखा दिया है मुझे, पता मुझे कहते फिल्म में साइन किया है, उसके बाद इन्होंने एक शादी का सीक्वेंस रखा और रियल के फेरे ले लिए मेरे साथ। देखिए आप दोनों यहाँ पे लड़ाई ना करें, हमारे गेस्ट आए हुए, जाइए। असल में पता क्या है, इसकी आदत है, ये रूठ जाती है, झगड़ा इसलिए करती है कि मैं इसको मनाऊं। हाँ वो भी ठीक से मनाना नहीं आता इनको, वो अपने शर्मा जी है ना, चार बार बीबी उठी उनकी, चार बार मनाया, चार बच्चे हो गए उनके, तो सीखो आप ना इन्हें सिखाइए कुछ कि बीवी रूठ जाए तो उसे कैसे मनाना चाहिए, प्लीज सिखाइए। दिखाइए आप क्या करते, क्या है, कैसे बनाते हैं? मैं कैसे बनाता हूं? कैसे बनाएंगे? ट्विंकल इधर आओ ना, ट्विंकल वो कह रहे तो करने दो ना। डार्लिंग मेरा जी चाहता है, हाँ जी, कि बारिश का मौसम हो। हाय मैं मर गई। और हम दोनों हाँ भीगे हुए हो, ओए होए 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 होए, और नदी में तूफान आया हो और खतरे का निशान बढ़ चुका हो और तुम तूफानी लहरों पे बह बह कर जा रही हो, और मैं किनारे पे खड़ा तुम्हें देख रहा हूं, और अनाउंसमेंट हो रही है, खबरदार आगे मत जाना मर जाओगे, खबरदार आगे मत जाना मर जाओगे, खबरदार आगे मत जाना मर जाओगे, और लहरें बहाती बहाती तुम्हें ले गईं। मैं वहां पे थोड़ा रोया और फिर कहा इसका नसीब ही ऐसा था। फिटे मुंह आपके नलायक कहीं के, और सच्ची इनको सिखाइए, सिखाइए कुछ कैसे होता है रोमांस, कैसे मनाया जाता है। मैं ना आपसे बहुत ज्यादा नाराज हूँ। नाराज होके इधर आते हैं, उधर नहीं जाते। ठीक है, मैं ना आपसे बहुत ज्यादा नाराज हूँ। सुनिए, मुझसे कोई गलती हो गई? मैं मान गई, मैं मान गई, मैं मान गई, मैं मान गई। भाई साहब सिर्फ बता, सिर्फ बताना था, आपने तो मना ही लिया। थैंक यू। तो इस तरह तो दूसरे की बीवी को कोई भी मना लेता है। अपनी का बंदा मनाए तो फिर मजा आया ना। तो आपने कभी भाभी को इस तरह मनाया, या आपका भी मेरे वाला ही हाल है? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ उल्टा होता है, हमारे यहाँ ये कहती सुनिए और मैं कहता हूँ मान गया मान गया मान गया, मान गया। So sweet. चलो अंदर। क्या पैर नहीं दबाने, पैर नहीं दबाने, ठीक है जल्दी आना, चलो फिर लैग कहीं। देखा कितना डरती है, सांस नहीं निकल रही थी उसकी, मुझे रात को कहती है झाड़ू दो, मैं क्या मैं झाड़ू दूं, मैंने जाले उतार दिया, झाड़ू नहीं दी। नमस्कार, सीटी केबल के इस विशेष प्रोग्राम बाल की खाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है कि आखिर मर्द सुधरते क्यों नहीं है। इस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से अरशद वारसी, करेक्ट, और उनकी पत्नी मरिया जी,
और दूसरी तरफ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं लोनावला से, टीवी से बाहर मत आइए मारूंगा मैं, दूसरी तरफ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं लोनावला से रिंकू देवी, और गढ़वाल से तो शायद पूरा गढ़वाल ही आया हुआ है। अच्छा बोले, अच्छा बोले। अर्शद मरिया आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। रिंकू संतोष आप पे तकरीबन उतनी ही लानत है। लानत है। तो हम अर्शद से पूछना चाहेंगे, अर्शद क्या आपको लगता है कि शूट के समय बीवी को साथ जाना चाहिए? डिपेंड करता है किसकी बीवी है वो। जी रिंकू देवी, हमको जब हमारे हस्बैंड जो है टूर पे जाते हैं, हमारे हस्बैंड जब भी, तो हम साथ में जाना चाहेंगे। हाँ देखिए, लोटा लेके खेत में जाने को टूर नहीं बोलते। एक आप मेरी बात का मतलब गलत निकाल रही हैं। संतोष पूछिए, कुमारी जी आपकी शादी भी नहीं हुई है, आप इस बहस में कर क्या रही हैं? बता रहे हैं, बता रहे हैं। क्या कर रही हैं? अरे बता रहे हैं, चिल्ला कह रहे हैं। तो देखिए ये हमारे भैया पे उंगली उठाती है, पहले ये अपने गिरबान में झांक के देखें, ये कितना ऐसा गड़बड़ काम करती है। हम आपको बता रहे हैं, सुबह 3 बजे जागती है, क्यों? बीड़ी पीने के लिए। तो तुम्हारे भैया के लिए पीते हैं हम बीड़ी, ताकि धुआं हो जाए, घर का मच्छर भाग जाए। सुना नहीं है तंबाकू मधे कर्क रोग होता, लेकिन तुम्हारे भैया को पता ही नहीं होता, क्या करेंगे हम बताओ। तो रिंकू दीवी आप? दीवी नहीं, हम देवी हैं। प्रोग्राम के संचालक हम जो मर्जी बोलें। तो दीवी बोलेंगे हम। तो रिंकू बीड़ी, चिलम जैसे मुंह से बीड़ी पीते हुए आपको शर्म नहीं आती? हमारा ऐसा मुंह जल जल के हुआ है सीधू जी। हाँ, हमारे जो हस्बैंड है और सामने सुकलाइन है ना, उसको दिल दे बैठे हैं। ओह। और इस बात से हम शुक्ला से बहुत गुस्सा हैं। तो गलत आपके पति हैं, आपको शुक्ला पे गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि वो भी अपनी वाइफ को प्यार करता है, हमको कोई प्यार नहीं करता। मरिया आप ऐसी औरतों को क्या संदेश देना चाहेंगी जिनकी ये प्रॉब्लम है? आप क्या कहेंगे इसके बारे में? आप बताएं, हम जिंदगी इतनी महंगी हीरोइन के आप कपड़ों से आंसू साफ कर नहीं आते? आंसू नहीं, नाक साफ किए हैं। मरिया ऐसी औरतें जिनको ये प्रॉब्लम है कि इनके पति जो है वो बाहर की औरतों को देखते हैं, आप इनको क्या संदेश देना चाहेंगी? आई थिंक आपको जो बाहर एकदम खेत में जो मस्कुलर आदमी है, आपको उनको देखना चाहिए और कभी कभी सीटी भी मारना चाहिए। हमारा खेत में तो वो खड़ा रहता है, वो मटके लगा के ऐसे करके, क्या देखे, डर लगता है। तो आप भी वही हैं, खाली भगवान ने जान डाल दी है अंदर। आप भी अगर ऐसे करके खड़ी हो जाएं, भैंसे कौए पता नहीं क्या क्या भागे आपसे। तो मरिया जी का कहना है कि देखिए उधर चलिए, उधर चलिए। ताली मारेगी? ऐसे कोई हमारे टीवी में नहीं आ सकता है, गलत है। ताली मारेगी? आप मुंबई स्टूडियो से आप गढ़वाल स्टूडियो में जा रही हैं। हमारा है इसका। अरे हमारे तो मरिया जी का कहना है कि अगर आपके पति किसी और औरत पे डोरे डालते हैं तो आप भी किसी मर्द को देख के सीटी बजाएं, उनको जेलसी हो गई और वो सुधर जाएंगे। तो हम तो आपको क्या लगता है हम नहीं किए हैं ऐसा? हम किया है जेलसी के चक्कर में, हमारे हस्बैंड तो जले नहीं बल्कि 3-4 और अफेयर हमारा शुरू हो गया था। और जो झाड़ू वाला है ना, उसके साथ तो सीरियस भी हो गया था। क्या करें हम? रिंकू भाभी आप बहस में हिस्सा लें, अपने रंगीन चिट्ठे ना खोलें। रंगीन कहां, हम तो खोल रहे हैं। अब रो रहा हूं। अर्शद जी आप बताइए कि पति जो हैं वो अपनी बीवियों की कौन सी आदतों से परेशान रहते हैं? आई थिंक शादी, उनकी शादी करने की आदत है, उससे बहुत परेशान है। कौन सी चीजें नहीं परेशान रहते? नहीं परेशान रहते जी। अच्छा आपको क्या लगता है जब पति पत्नी में झगड़ा हो तो क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से आपस में बैठ के
सलाह मशवरा करके बात सुन, मारा मारी अच्छी बात नहीं होती। तो जैसा कि आपने देखा, बातों ही बातों में छलका एक मशहूर एक्टर का दर्द, इसके लिए लीजिए कप्पू टिश्यू, सुलझाए आपके पति का इशू। ये हमारे प्रोग्राम के स्पॉन्सर्स हैं। नहीं, एक बात बताइए, आपका ये जो टिश्यू है ये सिर्फ आंख से जो आंसू निकलता है वही पहुंचता है कि नाक से जो आंसू निकलता है वो भी पहुंचता है? देखिए, आपसे हमारी धमकी भरी गुजारिश, ऐसी बेतुकी बातें ना करें, यही टिश्यू आपके मुंह में ठूस देंगे हम। देखिए, मैं एक हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ। लाइव टेलीकास्ट हो गया। सबसे ज्यादा तेज प्रसारण होता है लाइव, आप तो उससे भी आगे बढ़ गए। अरे आपसे विनम्र निवेदन है, कैमरा आपके बाप का नहीं है, हमारी फुटेज वेस्ट हो रही है। ऐसे ही चलिए चलिए, जा रहे हैं, जा रहे हैं, चलिए टीवी के अंदर। एक तो इतनी बड़ी है, आपको टीवी पे लेके आ रहे हैं, आपको शर्म नहीं आ रही? परिया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप जैसी खूबसूरत बीवियों से भी क्या पति झूठ बोलते हैं? आखिरी बार इन्होंने आपसे झूठ कब बोला था? एक्चुअली मुझे याद नहीं है, क्योंकि इतना झूठ बोलता है ना अर्शद की, आई डोंट रिमेंबर द लास्ट टाइम जब सच बोला। ऐसा ही है। तो इनको कोई ऐसी बात याद आई जिससे इनको अकेले को मजा आया? तो इसका मतलब है अर्शद अक्सर झूठ बोलते हैं। जी, आप कुछ कहना चाहेंगी मोटे मुंह वाली औरत? सबसे पहले तो आपसे एक सवाल, आपकी गर्दन कहाँ है? देखिए, मर्द लोगों को झूठ बोलना पड़ता है क्योंकि उनके घर में ना उनकी बीवियां उन्हें प्यार नहीं देती। ए देखिए, हमारे भैया दिन भर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत करके जब घर पे आते हैं, ये रिंकू भौजी उनको खाना तक नहीं देती है। अरे थका हुआ, डाइट पे होगा वो, डाइट पर नहीं, बहुत थका हुआ आता है घर पे, बहुत ज्यादा ही थका हुआ आदमी है। क्या ऐसा मरत, रोटी का निवाला उठाता है, मुंह तक नहीं पहुंचता, हम गर्दन नीचे। कैसा मरत का हम क्या करें, हमारी तरफ क्या ध्यान देगा वो? उस वो दूसरे मोहल्ले वाले देखो, सब लोग छेड़ते हैं हमको। क्या आपको छेड़ते हैं? तेरे को छेड़ रहे हैं क्या? और हम छेड़ रहे हैं, हम कोई छेड़ रहा है, मर कर रहे हैं। अभी हम मिश्रा पान भंडार वाला है उसके पास गए कल, हम उसके, अच्छा हम कहेंगे ना, हम कल के बताएंगे। मिश्रा जी आप ये है ना फिल्म में, आइए एक मिनट, हम पर पान वाला बन गया। एक तो मान लीजिए आप मिश्रा वाले हैं, पान भंडार वाले, हम आपकी दुकान पे आ रहे हैं, यहाँ से हम आ रहे हैं, ठीक है? हम तो अब सेक्सी वेक्सी तो हम हैं ही, तो आपका दिल कैसे ललचाएगा? वो ये है, हाँ। दूसरा सोचिए कि हमारी शादी नहीं हुआ है, हाँ। ठीक है, हम आपकी दुकान पे आ रहे हैं जी। अरे रुके रुके, ऐसा कुछ हो रहा है तो हम भी कुछ बनेंगे। आपसे मैं एक ही बात कहना चाहूंगा। अच्छा मिश्रा जी नमस्ते। नमस्ते, एक ठो पान तो लगाओ जरा। देखिए आपको बहुत उधार दे चुके हैं, अब बहुत हो गया, हमसे पैसे लोगे? पान के ही पैसे ले रहे, और कोई काम के पैसे थोड़ी ले। पान के पैसे, अच्छा हमसे पैसे लोगे? हाँ, हमको देख के जो तुमको एक बियर का नशा हुआ उसका क्या, निकालो 85 रुपया, इतना एंटरटेनमेंट तुम्हारा हो रहा है ना, उस हिसाब से तो तुम कर्जा में डूब जाओगे, पता है तुमको? बड़ा आजकल तुम पान को कत्था कम और चूना ज्यादा लगा रहे हो, हम देख रहे हैं। तुम भी तो चूना लगा रहे हो साड़ी पहन के लोगों को। क्या? जो हम है तेरा भी तो वही है, इतना क्या, दोनों के ऊपर है वो। देखिए ये आप जो दोनों कर रहे हैं, इससे आप दोनों एंटरटेन हो रहे हैं, हमारी एंटरटेनमेंट का क्या? क्या क्या एंटरटेनमेंट? एक गाना बजा चल।
एक बार मिस्टर अर्चित वारसी और मरिया के लिए जोरदार तालियां, और रिंकू भाभी और संतोष के लिए गंदी गंदी तालियां, बड़ी बड़ी तालियां। हो गया आपका इंटरव्यू, सारा खराब कर दिया आपने हमारा। अभी कहाँ, अभी तो बाकी है खराब करना। और एक सेल्फी सबके साथ। हाँ वो तो बनती है। जेनुइन औरत नहीं है। I can't see. रिंकू भाजी, रिंकू भाभी ध्यान से, आप आपका मुंह आ रहा है। थैंक यू।